हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टी मीडिया पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि सीआरटी टेक्निक किस तरह से काम करती है और उसके अंदर इमेज को डिस्प्ले करने के लिए रास्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले किस तरह से काम करती है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें। जब हम उन वीडियोज़ पर डिस्कस कर रहे थे, उन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये देखा था कि वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाते हैं, स्क्रीन तक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इमेज डिस्प्ले होती है, जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि हमको यहाँ पे कलर इमेज डिस्प्ले करना है या कलर टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, तब हमको यहाँ पे कलर सीआरटी मॉनिटर पर डिस्कस करना रहता है। तो यहाँ पे जो आज की टेक्निक है वो हमारे पास है कलर सीआरटी मॉनिटर। यहाँ पर हम मल्टीपल कलर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कलर सीआरटी मॉनिटर का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ए सीआरटी मॉनिटर डिस्प्लेस कलर पिक्चर्स बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फर दैट इमिट डिफरेंट कलर लाइट। तो यहाँ पर एक तरीका क्या है, अभी तक हमारे पास क्या होता था, एक ही फॉस्फर की कोटिंग हम करते थे, जो स्क्रीन होती थी वहां पे हम फॉस्फर की कोटिंग करते थे और वो एक ही करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम अलग अलग फॉस्फर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स अलग अलग कलर की फॉस्फर कोटिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस रेंज ऑफ कलर बाय कंबाइनिंग द लाइट इमिटेड बाय डिफरेंट फॉस्फर। ठीक है, अब जब हम अलग अलग फॉस्फर की कोटिंग करेंगे तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। देर आर टू बेसिक टेक्नोलॉजीज फॉर कलर डिस्प्ले। और कलर डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो बेसिक मेथोडोलॉजी है जिन पर हमको डिस्कस करना रहता है। पहला है हमारे पास बीम पेनिट्रेशन मेथड और सेकेंड है हमारे पास शेडो मास्क मेथड। इनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीम पेनिट्रेशन मेथड पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम डिस्कशन बीम पेनिट्रेशन मेथड पर। ठीक है, तो यदि हम कलर सीआरटी मॉनिटर पर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे दो मेथड है कलर को डिस्प्ले करने के लिए। पहली क्या है इसमें, बीम पेनिट्रेशन मेथड, और सेकंड कौन सी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, शैडो मास्क मेथड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है सीआरटी का, जिसपे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ पे पहुंचते हैं, स्क्रीन तक पहुंचते हैं, इतना हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है हमारे पास, ये जो बीम पेनिट्रेशन मेथड है वो कहाँ पे यूज की जाती है, रैंडम स्कैन मॉनिटर में यूज की जाती है। ठीक है, अब रैंडम स्कैन में किस तरह से यूज की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सीआरटी है सीआरटी के अंदर हम कोटिंग करेंगे, और किस किस की कोटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम दो फास्फर की कोटिंग करेंगे। अभी तक सिंगल फास्फर होता था, लेकिन अब कितने फास्फर होंगे, दो फास्फर होंगे और उनकी हम यहाँ पे बनाएंगे लेयर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लेयर बनाते हैं तो दो लेयर यहाँ पे बनती है, जिसमें से एक लेयर होती है इनर लेयर और दूसरी होती है आउटर लेयर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर यहाँ पे एक लेयर अब यहाँ पे बनाई जाएगी, जिसमें फास्फोर की कोटिंग किस तरह से होगी, ग्रीन कलर से होगी। ठीक है, तब कौन सी लेयर हो गई है, एक लेयर हो गई है इनर लेयर, और इनर लेयर में कौन से कलर का फास्फोर का कोटिंग किया जाता है, ग्रीन कलर का कोट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड कौन सी लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है इसके बाद, जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, तो यहां पर होगी आउटर लेयर जो कि होगी रेड कलर की। ठीक है, तो यहां पे एक और लेयर होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटर लेयर बोलेंगे, और आउटर लेयर में कौन सा कलर होता है, रेड कलर यहां पे होता है। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए, सबसे पहले यहां पे क्या है, स्क्रीन है। अब स्क्रीन के बाद देखिए, अब यहां पे स्क्रीन के बाद एक और कलर दिख रहा है ग्रीन, तो ये कौन सी लेयर है हमारी, इनर लेयर है, और इनर लेयर में कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और ये जो रेड दिख रहा है, रेड कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है, यहां पे कौन से कलर का फास्फोर है, रेड कलर का। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में क्या है, स्क्रीन है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहाँ पे जाके टच करेगा, या तो आउटर लेयर पे टच करेगा जिससे कि रेड कलर है, फिर उसके बाद या तो इनर लेयर में टच करेगा जहां पे ग्रीन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेयर है और दोनों ही लेयर पे कौन पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन बीम, मीन्स इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके टच करते हैं। अब कलर किस तरह से डिस्प्ले होता है, तब उसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कलर डिपेंड्स ऑन हाउ फार द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स इनटू द फॉस्फर लेयर।
कलर के जो डिस्प्ले करने का बेसिक है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहाँ तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखें थोड़ा, तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है इस तरह से, और यहाँ से अब जा रही है ये बीम। ठीक है, अब हम यहाँ पे कलर से बना देते हैं कि यहाँ पे आउटर लेयर क्या है, रेड है, तो यहाँ पे रेड है। ठीक है, और जो इनर लेयर है वो कौन सी है, ग्रीन है, तो यहाँ पे इनर लेयर क्या है, ग्रीन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलेंगे तो उनकी स्पीड डिपेंड करेगी कि स्पीड के बेस पर वो कहाँ पे जाके टच करेंगे। यदि वो स्लो है तो वो कहाँ पे रह जाएंगे, इस लेयर पे रह जाएंगे, मतलब आउटर लेयर पे रह जाएंगे, और यदि उनकी स्पीड फास्ट है तो वो कहाँ तक पहुंचेंगे, इनर लेयर तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम गया है इसको हम मान लेते हैं कि ये कौन सा है, सिलो है, जो कहां पे जाके टच कर रहा है, आउटर लेयर पे टच कर रहा है या आउटर लेयर तक पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कलर डिस्प्ले होगा, रेड कलर डिस्प्ले होगा। यदि इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सीलरेटिंग करके हम इसको फास्ट करते हैं और ये कहां तक पहुंचता है, इनर लेयर तक पहुंच जाता है, तो ये कौन सा है, फास्ट है, और फास्ट कहां तक पहुंच रहा है, इनर लेयर तक पहुंच रहा है, तो ये कहां पे जाके टच कर रहा है, ग्रीन फास्ट पर पे, तो ये कौन सा कलर डिस्प्ले करेगा, ग्रीन कलर डिस्प्ले करेगा। इन दोनों के बीच में एक और हो सकता है जो बीच में कहीं जाके रुके, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बीम। ठीक है, एक कौन सा हो गया है, फास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, फास्ट इलेक्ट्रॉन पेनेट्रेट्स मोर एंड एक्साइट इनर ग्रीन लेयर। ठीक है, यदि फास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां तक पहुंचेंगे, ग्रीन लेयर तक पहुंचेंगे और वो ग्रीन कलर को डिस्प्ले करेंगे। यदि स्लो इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां तक पहुंचेंगे, रेड लेयर तक पहुंचेंगे और रेड कलर को डिस्प्ले करेंगे। अब यदि इंटरमीडिएट बीम है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ना तो वो फास्ट तक पहुंच पा रही है और ना ही स्लो पर रुक रही है, स्लो और मीन्स यहाँ पे इनर और आउटर के बीच में वो पहुंच रही है, तब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पहुंच पा रही है तो ये कौन सी लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर पे अगर पहुंच पा रही है बीम, तब यहाँ पे क्या होता है, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से दो कलर बनते हैं, एक कलर बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज, और सेकंड जो कलर बनता है वो है येलो। ठीक है, तो यदि इंटरमीडिएट बीम है जो कि इंटरमीडिएट लेयर तक पहुंच रही है, इनर और आउटर के बीच में पहुंच रही है, तो वहां पे दो कलर डिस्प्ले होते हैं, या तो ऑरेंज डिस्प्ले हो सकता है या फिर येलो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। तो टोटल यहाँ पे चार कलर डिस्प्ले होते हैं, जिसमें से मेजर कौन कौन से हैं आपके, रेड और ग्रीन, और एडिशनल कौन से आपको दो मिलेंगे, ऑरेंज और येलो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट बीम स्पीड प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स विच इमिट एडिशनल टू कलर ऑरेंज एंड येलो। तो यहाँ पर आपको दो एडिशनल कलर मिलेंगे, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पे जा रही है तो इनकी स्पीड को मेंटेन किया जाता है कि उसको स्लो रखना है या फास्ट रखना है। तब हमने यहाँ पे सीआरटी भी जब डिस्कस किया था तो यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन गन के पास एक सिस्टम होता है जिसमें एक्सिलेटिंग एनोड लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, बीम एक्सिलरेशन वोल्टेज कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस कलर ऑफ पिक्सल। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, जो एक्सिलरेशन एनोड है, एक्सिलरेशन जो सिस्टम होता है वो बीम के जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करता है और उनकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है, जिससे ये होता है कि किस कलर को डिस्प्ले किया जाना है। ठीक है, यदि वो उसको स्लो रखता है तो रेड कलर डिस्प्ले होगा, फास्ट करता है तो ग्रीन कलर डिस्प्ले होगा, और इंटरमीडिएट में कहीं पहुंचाता है तो ऑरेंज और येलो को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो यदि इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो ये लो कॉस्ट टेक्निक है, इसमें कॉस्ट कम लगती है, और डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे सिर्फ चार कलर को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी जो डिस्प्ले करती है वो दूसरी टेक्निक की अपेक्षा कम होती है, मीन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि दूसरी टेक्निक यहाँ पे डिस्प्ले कर सकती है। तो इसके जो पिक्चर क्वालिटी है दूसरी टेक्निक के से अगर हम कंपेरिजन करें तो कम होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ चार कलर हमको मिलते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में यही है कि इसमें कॉस्ट कम लगती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेडो मास्क पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो है टेक्निक है रैंडम स्कैन मॉनिटर में यूज की जाती है, शेडो मास्क जो मेथड है वो रास्टर स्कैन में यूज की जाएगी। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।